सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। NEST की तरफ से क्या ऑफिशियल अपडेट है, और उसके साथ साथ जो EMRS जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम सेंटर चेंज हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ज्वाइनिंग कब आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो भी अफवाहें उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, इतनी तो आपको खुद में नॉलेज भी होनी चाहिए कि कई सारे कैंडिडेट्स जैसे कि रिजेक्ट को लेकर ही सबसे पहले सबसे मेन जो है, क्योंकि भाई देखो उस दिन से आस लगाए हुए थे कि भाई आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपका जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर था वो डाउनलोड ना होने की वजह से क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और वो किस चीज़ को जो है इसको सोर्स मान के ये बात अपने दिमाग में उन्होंने बैठा ली है। तो कह रहे थे कि मैम एक जो है वॉइस मैसेज आया था, कोई कह रहा मैम उसने बताया था, लेकिन अभी तक कोई भी, अगर देखो आपका रिजेक्ट किया जाता तो फुल नोटिफिकेशन आता आपको बुलाने के लिए, पांच बार, ठीक है, पांच बार लिस्ट आई है। तो अगर आपको रिजेक्ट किया जाएगा तो ऐसा नहीं है विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट नॉलेज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, हमारे पास कई बच्चे हैं जिनके कमेंट भी आए हैं कि मैम हमारा जो है डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन जो उड़ीसा की और एक स्टेट और शायद छत्तीसगढ़, उन दो की लिस्ट आई है, तो उनमें से दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा था लेकिन उनको पोस्टिंग भी मिली है, और उसके साथ साथ उनका नाम भी वहां पर लिस्ट में मेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये टेक्निकल इशू है। हाँ, कई बच्चों ने भाई मेल किया है, तो देखो हमने एक दो मेल की है, लेकिन उनके पास पहुँचने वाली मेल लाखों में होती हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, ना रिस्पॉन्स आए, क्योंकि उनका कोई भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया है, तो टेंशन और भी बढ़ जाती है। तो देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिजेक्ट किया जाएगा तो आपके पास ज़रूर मैसेज आएगा या फिर आपकी लिस्ट आएगी। देखो, पांच बार अगर कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब आपको जॉब देने की तैयारी में है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको रख दिया जाएगा। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में कोई कमी रह गई थी और जो उन्होंने बताई थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो होप सो आपका जो पोस्टिंग लेटर है उसको तब तक होल्ड पे रखा जा सकता है जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए हैं, जितनी जब भी आपको बुलाया गया है आप गए हो, तो आपके जो रिजेक्ट करने का है वो कोई तुक नहीं बनता है। वॉइस मैसेज इन पर बिलीव ना कीजिए, कोई वैसे मैसेज आ रहा है उस पर भी बिलीव ना कीजिए। आपको अपनी EMRS की ऑफिशियल साइट पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उन पर बिलीव करना है, क्योंकि 100% श्योर वही होते हैं, ठीक है। और उस पर ऐसा कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। हाँ भाई, पूरी कोशिश की जा रही है। NEST के ऑफिस में भी गए थे बच्चे, तो उन्होंने किसी ने कह दिया कि भाई अब देखो, हम तो उनके साथ नहीं थे कि मैम NEST के ऑफिस में गए थे, वहाँ पर किसी ने ये कह दिया कि भाई आपका जो है जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा उनका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा ऑफिसर था, कौन वो कैंडिडेट्स है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये श्योर है भाई इस तरह से रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा। जब आपको पांच लिस्ट जारी की जा रही है NEST की तरफ से, किस लिए? कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वैकेंसी थी उतनी कम से कम फुलफिल की जा सके, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही जो आपकी लिस्ट आएगी आपके जो स्टेट है उसकी, तो आप उसमें चेक कीजिए। और मेल हर एक बच्चे के पास आएगी। देखो, मेल अभी तक सभी के पास नहीं आई है, हमारे पास भी नहीं आई है, लेकिन हमारा भी डाउनलोड हो गया था, लेकिन मेल अभी तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि सभी स्टेट अपनी अलग अलग मेल करेंगे। अब हमारी पोस्टिंग MP में आई है, तो MP जब मेल करेगी तो लिस्ट भी आएगी और उसके साथ साथ ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है भाई सेंटर चेंज।
अब कई सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि मैम पहले कुछ और सेंटर दिया गया था भाई, बाद में कुछ और, क्यों? क्योंकि उन दोनों उन बच्चों का जो है दो दो जगह पे हो चुका था, तो सेम उनको सेंटर लोड कर दिया गया था। उसके बाद जो है हाँ, उनके सेंटर्स को ज़रूर चेंज किया गया है। तो आप अपना जो, और उसके साथ साथ कई ये भी देखने को मिला है, जैसे किसी बच्चे का पीजीटी में हो गया और उसके साथ साथ हॉस्टल वार्डन या फिर लैब अटेंडेंट में हो गया, तो एक का जो है हटा दिया गया है उनका, क्योंकि एक पर्सन एक ही टाइम पे एक जगह पर ही ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपकी मनमर्जी है भाई, आप जो ज्वाइन करना चाहो दोनों आपके डाले जाएंगे साइट पे, लेकिन सेंटर जो है कुछ ही कैंडिडेट्स का, जैसे राजस्थान जिनको दिया गया था, एक दो कैंडिडेट्स ऐसे थे उनका जो है राजस्थान चेंज करके छत्तीसगढ़ कर दिया गया है। तो वो देखो क्या इशू था, स्कूल नॉन फंक्शनल था या क्या पता नहीं, लेकिन हाँ सेंटर जरूर चेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद है जी वेटिंग लिस्ट। जो कैंडिडेट्स वेट करें कि मैम वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द ही आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके देखो टाइम लगेगा, ये देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, कितनी वैकेंट पोस्ट रह गई, ठीक है। उन सब का अनुमान लगाने के बाद, और वैसे भी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट होती है उसका 1 ईयर तक का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर कभी भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि दो दो जगह पे हुआ है, या फिर ऐसी जगह प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ गई जो वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते, अपने स्टेट में उनकी छोटी पोस्ट है तो वो वहीं पे करना चाहते हैं दूसरे स्टेट में जाने की बजाय, ठीक है। क्योंकि कईयों के भाई इशू होता है, कईयों के हस्बैंड जॉब पे हैं, कईयों के वाइफ कहीं जॉब पे है, तो ऐसे इस वजह से ज़्यादा दूर जाने की वजह से कि कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर उनकी जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ गई, तो इस वजह से भी बहुत सारे जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी लिए वेटिंग लिस्ट तो भाई 100% श्योर है नोटिफिकेशन में, हम तो भाई जो भी चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होती है तो वो 100% राइट मानी जाती है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना उसको आप कभी भी सच मत मानिएगा, ठीक है। चाहे वो किसी का भी चैनल हो, चाहे कोई भी कह रहा हो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, और हाँ भाई कई कई पोस्ट खाली हैं, क्यों? क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह गए, कई कट ऑफ की वजह से चल रहा है भाई इशू, तो ये सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। अभी कट ऑफ का भी रहता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी रहता है, तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी आपकी। और ज्वाइनिंग, जैसा कि आपको पता ही है भाई, JSA का भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया गया है, उसके साथ साथ आपका जो प्रिंसिपल है उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, DV भी हो चुका है, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ अब जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग रहती है, ठीक है। तो NEST यही सोच रही है कि भाई सबको साथ में ही ज्वाइनिंग करवाई जाए, इसीलिए पहले जो उनका काम रहता था, यानी कि प्रिंसिपल का, JSA का जो काम रहता था, उनका काम कंप्लीट कर दिया गया है, अब वो काम भी कंप्लीट हो चुका है, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे दी गई है, तो जल्द ही आपको ज्वाइनिंग का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो इधर उधर की अफवाहें आ रही हैं भाई उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, जो सच्चाई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको NEST की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मिलेगी, ठीक है। और ऐसे किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, और उस रीज़न का आपको पता भी होना चाहिए कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्सों में ये कमी है। अब प्रिंसिपल का जो आया है, आपने देखा भी होगा, एक दो बच्चों के ऊपर स्टार लगा हुआ है और उस पर स्पेशली मेंशन है कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो अपने चेक करवाइए और फिर आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने वॉइस मैसेज भेज दिया, वॉइस मैसेज कभी भी ऑफिसर्स की तरफ से नहीं आता, ना ही वो कोई वैलिड सोर्स होता है, वो या तो किसी की खुद की रिकॉर्डिंग हो सकती है या कैसे कुछ, भाई देखो हम उस चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही आप वैलिड मानिए, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के भाई मैसेज आए हुए थे सुबह सुबह जब हमने फ़ोन चेक किया, तो सोचा एक बार उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि कई एक दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा कि मैम हमारा जो है डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा लिस्ट में भी नाम है और हमें पोस्टिंग भी, प्लेस पोस्टिंग भी हमारा मेंशन किया गया है, ठीक है।
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपकी कुछ टेंशन तो कम हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू अगेन।